वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माय नेम इज जसदीप कौर, आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु अर्जन देव जी इन राग सोरठ अंग 617 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा, दो पदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगल वनस्पत मह बिसंतर, सगल दूध मह किया, ऊंच नीच मह जोत समाणी, कट कट माधो जिया। संतो कट कट रया समायो, पूरन पूरयो सर्ब में, जल थल रमैया आयो रहाओ। विच मीन्स जिवें लुकवी अग सारी वनस्पति विच ही मौजूद रहती है, तिवें हरेक किस्म के दुध विच घ्यो लुप्त मक्खन रूप विच रहिंदा है। तिवें ही सब उच्चे नीवें जीवां दे भौतिक शरीरां सरूपां या बंतरां विच भी आत्मिक जोत समाई होण सदका प्रभु सारे जीवां विच प्रसारित है। हे संतजनो, परमात्मा अपनी हरेक ही रचनात्मक बनतर विच मौजूद है। सारी रचनावी रम्या राम पानी अते धरती विच भी व्यापक है रहाओ। नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट इट टुडे। परमात्मा सारे जीवों विच मौजूद है। सी ही इज़ द क्रिएटर और अपनी क्रिएशन दे विच ही इज प्रेजेंट, ही इज देयर। सो वी नीड टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेल्व्स। जे वो सारे जीवों विच मौजूद है, जो असी सोसाइटी विच ये उच्ची जात नीवी जात, हाई सोसाइटी लो सोसाइटी या हाई क्लास लो क्लास मिडिल क्लास, ये जड़ियाँ कैटेगरीज कर रखिया ने, परमात्मा तो सारे विच मौजूद है। नाउ वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, देन डू वी हैव एनी राइट टू हर्ट एनी वन। असी दूसरियां ना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कुछ अपने रिलेशनशिप विच रूल सैट कर सकते हैं, पर सानू कोई राइट नहीं है कि असी किसी नू हर्ट करिए। सी इन दिस पिक्चर आई शो यू, प्रॉब्ली दिस लेडी माइट बी द मेड एंड शी इज़ द ओनर ऑफ द हाउस। ओनू किस तरह रिब्यूक करिए, किस तरह डांट रही है। सो कोई भी, चाहे थोड़े घर की मेड है, चाहे स्वीपर है, या बी इट एनी पर्सन, वी डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट एनी वन। Now, the another distinction in this hukamnama is that never give up. Jadon assi dudh nu churn karde haan te finally jaake kyo ode vichon nikalda hai. Lukvi ag bare gal kiti hoi hai ki oh sari banaspati vich hi hamesha rehndi hai, par ode vaste sanu ik action lena penda hai. Jive for example kyo nu kaddan vaste we have to go through the process. So never give up, never give up till the time you get the desired results. There was a man jehda fern the seed sow karda hai te bamboo tree ugaan vaste seed sow karda hai. Hun ohna nu adequate light dinda hai, pani dinda hai, jo jo resources di zarurat hundi sara provide karda hai. फर्न तो बड़ी जल्दी शूट अप कर देता है एंड द ग्रीन कलर जस्ट स्प्रेड्स एंड मेक द सराउंडिंग सो ब्यूटीफुल, पर बैम्बू ट्री कोई रिजल्ट नहीं दिखाता। थोड़ा जहा डिसअपॉइंट होता है, बट ही डज नॉट गिव अप। पूरा एक साल लगता है उसकी सेवा करता है, पर कोई रिजल्ट नहीं। सेकेंड ईयर अगेन वो सारा कुछ वो प्रोवाइड करता रहता है, बट कोई रिजल्ट नहीं। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनली फिफ्थ ईयर विच एक छोटा जिहा देयर इज अ टाइनी स्प्राउट, उन्हें कुछ होप लगती है और देखते ही देखते पूरा बैम्बू ट्री 100 फीट का ग्रो हो जाता है। शायद इन्ने टाइम विच वो अपने रूट्स नू डेवलप कर रहा सी, रूट्स तो स्ट्रोंग हो रहा सी। सो नेवर गिव अप टिल द टाइम यू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, बिकॉज वेन वी फेस चैलेंजेस इन लाइफ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਆਰ ਸੈਲਵਸ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ. ਸੋ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ. ਸੋ ਟੂਡੇਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਸਨਸ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਦੀ ਸੇਮ. ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ. ਡਿਵੈਲਪ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਡਿਵੈਲਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਡਿਵੈਲਪ ਯੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਡਿਵੈਲਪ ਯੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਬਟ ਨੈਵਰ ਹਰਟ ਐਨੀ ਵਨ. ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ. ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ. ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਟ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਫੋਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਬੀ ਹੈਪੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.